हमें जीवन में कुछ बड़े नियम बनाने चाहिए कि मुझे रोज गिलोय लेना ही लेना है, मुझे ऐसे थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित रखना है। जीवन के दो सबसे बड़े तत्व हैं आहार विचार। वैसे पांच तत्वों की बात करता हूँ हमेशा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव। जिसने इन पांच चीज़ों को साध लिया वो साधु है, वो योगी है, वो बड़ा आदमी है, वो सफल इंसान है, वो सुखी इंसान है, वो जीवन में विजय प्राप्त करेगा। हम सबका सपना है कि हम सफल बने, सुखी बने, विजय प्राप्त करें जीवन में। तरीका नहीं जानते, तरीका आहार शुद्ध रखो। मैं कहता हूं बार बार, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक कण भी गलत आहार तन में नहीं जाना चाहिए। गलत विचार आएगा तो पूरा वायरस घुस जाता है अपने अंदर, पूरी नेगेटिविटी, और एक बहुत बड़ा चक्र शुरू हो जाता है नकारात्मकता का। एक कण भी गलत आहार का जाता है तो वो हमारे डीएनए का, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। गलत विचार है तो वो भी हमारा कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। नष्ट शब्द का संस्कृत में अर्थ किया है नशा, नशा अदर्शने, रूपांतरित हो जाती है। विचार स्मृति बन करके मेमोरी के रूप में, संस्कार के रूप में हमारे साथ बना रहता है, और आहार वो हमारे शरीर का हिस्सा बन करके, हम एक बार भी कोई गलत आहार लेते हैं तो उसका भी असर हमारे डीएनए तक होता है। इसलिए जो लगातार गलत आहार लेते हैं, तंबाकू और कोई किसी तरह अल्कोहल और अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां और तमाम तरह की चीज़ें, इसलिए तो डीएनए तक असर डालता है। एक बार भी इसलिए नहीं लेना चाहिए कि यद्यपि एक बार कर लिया हो तो कुछ निकल भी जाता है थोड़ा असर छोड़ करके, लेकिन उसका असर तो रहेगा, फिर भी उसकी गंदी आदत पड़ जाती है। गलत बात, गलत आहार की आदत बहुत जल्दी पड़ती है। गलत आहार, गलत विचार, आहार विचार वाणी और व्यवहार, इस पर तो सारा संसार टिका है, और स्वभाव तो हमारे जीवन का मूल तत्व है। कहते हैं आदमी तो बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है। स्वभाव में अहंकार है, स्वभाव में निंदा करने का है, स्वभाव में प्रमाद है, बहुत प्रमाद तो मृत्यु और पुरुषार्थ जीवन है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में कुछ बातों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चों को भी ये बात बताइए कि आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव को जिसने संवार लिया उसका पूरा जीवन संवर जाएगा, वो जीवन में सफल बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्ध बनेगा, विजय प्राप्त करेगा, वो जीवन का शिखर आरोहण छुएगा, वो एक दिन जहाँ पर भी है बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगा।